अजब गजब वाक्यों की कड़ी में एक और वाक्य जुड़ गया है। अभी तक यहाँ पर बच्चों औरतों की किडनैपिंग के मामले सुलझ नहीं पाए हैं कि भैंस की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। ये मामला है शाजापुर का, जहाँ पर डेयरी का व्यवसाय करने वाली अंगूरवाला नाम की महिला की भैंस कुछ लोगों ने किडनैप कर ली और भैंसों को छोड़ने के एवज में लाखों रुपयों की फिरौती मांगी है। अंगूरवाला ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में की है। हालांकि भैंसों की किडनैपिंग का ये दूसरा मामला है। जानकारी के मुताबिक साल भर पहले भी अंगूरवाला की भैंसें किडनैप कर ली गई थी और किडनैपर्स ने भैंसों को छोड़ने के एवज में पैसे मांगे थे। एक पड़ोसी की मध्यस्थता के बाद 1,35,000 की फिरौती देकर भैंस छुड़वाई गई थी। इस बार फिर किडनैपर्स ने भैंसों को किडनैप किया और पहले से ज़्यादा रकम की मांग की है। अंगूरवाला ने इस बार फिरौती देने के बजाय पुलिस के पास जाना तय किया। पुलिस का कहना है कि भाई जब तक चोरी का माल नहीं मिलता हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पुलिस ने तो कुछ काम ही शुरू नहीं किया, यहाँ तक कि कोई मौका मुआयना देखा, पंचनामा बनाना, नौकरों के बयान लेना, यहाँ तक कि मेरे CCTV सिस्टम चोर लेके चले गए। लेकिन पास में मुरादपुरा मंदिर है, वहाँ पर भी CCTV लगे हुए हैं, वो भी देखना उन्होंने उचित नहीं समझा, मतलब उन्होंने इस केस को शुरू ही नहीं किया। वहीं पुलिस इस मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि पहले भी भैंसों की किडनैपिंग हुई थी, लेकिन उस समय पुलिस से शिकायत नहीं की गई थी और अगर फरियादी महिला उस समय पुलिस में रिपोर्ट करती तो दोबारा ये घटना नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने अंगूरवाला की शिकायत पर किडनैपर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चूँकि पिछले वर्ष मैं यहाँ पर पदस्थ नहीं था, मैं फरियादिया को उस समय भी रिपोर्ट करना था थाने में और यदि वो पैसा नहीं देती तो इस तरह की घटना को और बढ़ावा नहीं मिलता। वो रिपोर्ट करती तो निश्चित रूप से तत्समय जो भी पदस्थ अधिकारी थे वो लोग कार्रवाई करते और उस समय इनके द्वारा पैसा देकर भैंसे छुड़ा ली गई थी तो उसी के को देख कर हो सकता है कि किसी अन्य आरोपी को भी यही लालच आया हो और उनने भी इसी तरह की घटना की। MP में इंसानों की किडनैपिंग के बाद जानवरों की किडनैपिंग के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में MP अजब है सबसे गजब है का जुमला सच साबित होता नजर आ रहा है।